मैंने तो 88 वाला मूवमेंट देखा जब वोट क्लब पे था और रात को इन्होंने हमले करे थे, तो हम तो उस 88 वाले मूवमेंट में भी थे। लाइट काटी, माइकों के तार काटे और बहुत तेज स्पीकर वहां पे वोट क्लब पे 88 में बजाए गए कि इतनी दूर की भी आवाज नहीं सुनी थी। तो हमने तो उससे भी मुकाबला करा और संघर्ष करे। हमने ये कहा कि अगर कानून एक है, अगर रिपोर्ट दर्ज के बाद में गिरफ्तारी किसी की ना हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी भी ना हो, ये एक कानून बना दो कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। इनको यहाँ तंग होते हैं, ये मानसिक रूप से तंग होते हैं, तो भी इनकी प्रैक्टिस में दिक्कत पड़ेगी। ये गोल्ड मेडल अगर ये ना ले आए वहां से तो किसको नुकसान होगा? देश को नुकसान होगा। जो इनकी डिमांड है सरकारों को माननी चाहिए। हम 7 तारीख को यहाँ पे थाप पंचायत के जिम्मेदार लोग, समाज के जिम्मेदार लोग 7 तारीख को यहाँ पे बुलवाए हैं। ज्यादा भीड़ भी उस दिन रहेगी क्योंकि सब लोग बैठ के अपनी सलाह करेंगे, एक प्लान बनाएंगे हम और उसी प्लान पे फिर आगे काम करेंगे। अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या एजेंडा है। ये 7 तारीख में हम बातचीत करेंगे। आज यहाँ पे है, अपना शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे, ये किसी को कोई तंग नहीं कर रहे। इनकी प्रैक्टिस छूटती है, हमको उस पर भी ध्यान हमको देना है, लेकिन ये सारी चर्चाएं हम 7 तारीख में करेंगे। कल की दुखद घटना है कि रात के अंधेरे में उस तरह की वारदात हुई, उसकी घोर निंदा हम सब लोग करते हैं, पूरा देश करता है। तो आप अपना शांति से रहें, जो लोग यहाँ पे रहेंगे वे लोग अपना यहाँ पे रहें, जिन लोगों को जाना अपना टाइम से अपना चल जाओ, अपना कल फिर आ जाएंगे। हाँ हटा दे, जब बिजली काट रखी भाई, प्रशासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो बिजली है बिजली की व्यवस्था यहाँ पे करे। आजकल तो भाई 3 ही माता तो रहेगी, अब धरती माता, गौ माता, एक नई माता भाई बिजली माता आएगी, इसके बिना क्या आ जाएगा? या भी माई है भाई यार, इसके बिना भी नहीं रहा आ जाता, क्योंकि कलयुग है भाई, बिजली बिना नहीं रहा जाता। जिम्मेदारी है प्रशासन की, हम बात करेंगे, यहाँ पर अधिकारी कोई होगा तो बात करेंगे उनसे, क्योंकि अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं है। जो राजा का ऑर्डर होगा, राजा जो कहेगा वही हो रहा है। राजा कौन है? राजा तो कौन? राजा तो राजा ही है भाई, देश का राजा मुर्दाबाद। ठीक है, तो ये बात करेंगे यहाँ पर अधिकारियों से। और बिजली की व्यवस्था हो जाओ तो फिर आपकी समस्या तो यहाँ का ये है। मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे, लाइट चाहिए, बरसात हो रही है, कंटा भी छुपी निकल गया वही बरसात में, नीचे लोग सिर्फ इसी में जाए थे। कल गद्दे भी उठा लिए जी, हमारे जो गद्दे भी उठा लिए, गद्दे भी उठा लिए जी, वहां से गद्दे भी उठा के जमीन में सोना पड़ा बिना गद्दे के। अरे पत्तामी जी कर भाई, वो तो सारा काम करेंगे, आप यहाँ से चले जाओ बस, ये कुछ नहीं कर देंगे, नहीं तो न्यूसेंस करेंगे। हमने 13 महीने भाई सारी ट्रेनिंग ले रखी है, हमने आंदोलन करने का था इनका, ठीक है, ये तो आंदोलन कर रहे हैं, तो इनका काम तो कुछ से लड़ने का था, आंदोलन तो हमारा था, लेकिन इन्हें तो नई ट्रेनिंग हो रही है इनकी सरकार से कुछ लड़ने की, तो ये है, घबराने की जरूरत नहीं, पूरा देश समाज सब आपके साथ में है और है, अभी यहीं पे रहेंगे हम। पहलवान तुम आगे बढ़ो, आंदोलन में जिस तरह टक्कर आए थे लाल किले में, उसके बाद जो वो रात आपको याद होगी जो खेल खेला गया था, क्या वैसा ही कुछ खेल खेलने का प्रयास है? क्या षड्यंत्र चला जा रहा वैसा ही? ये सब षड्यंत्र रचे गए, उन षड्यंत्रों से घबराना नहीं, घबराने नहीं, उनसे बस इनको हौसला रखना। ये दिन भी होता है, रात भी होती है, गर्मी भी सर्दी भी, ये आंदोलन ये उतार चढ़ाव मूवमेंट सब तरह के आएंगे, उनसे घबराना नहीं बस इनको। ये रात के अंधेरे में तो हमला कर रहे हैं। हमने तो 88 वाला मूवमेंट देखा जब वोट क्लब पे
था और रात को इन्होंने हमले करे थे, तो हम तो उस 88 वाले मूवमेंट में भी थे। लाइट काटी, माइकों के तार काटे और बहुत तेज स्पीकर वहां पे वोट क्लब पे 88 में बजाए गए कि इतनी दूर की भी आवाज नहीं सुनी थी। तो हमने तो उससे भी मुकाबला करा और संघर्ष करे। तो ये तो ट्रेनिंग सुधा 35 साल के ट्रेनिंग सुधा पिड्डी दर पिड्डी, ये तो जीन्स में है हमारे जीन। ट्रैक्टर का बहुत जिक्र करो, बहुत शौक है दिल्ली वालों को देखे वे कहीं चले थोड़ा गए, उनकी 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 जरूरत नहीं है अभी, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे, अभी उनकी जरूरत नहीं है। अभी तो आज तो वहाँ चुनाव था यूपी में, ठीक है, शुगर मिले चली हुई है अभी, तो लोगों की प्रायोरिटी गन्ना डालने की वजह से 5-6-8 दिन 10 दिन फैक्ट्रियां चलेगी, गन्ना खेत में रुक नहीं सकता। गन्ना तो ऐसा होता है कि जैसे मुर्दा, उसको शमशान में जाना ही जाना है, तो गन्ना शुगर फैक्ट्री में जा ही जाएगा, उसे रोक नहीं सकते एक साल के लिए। तो वो भी काम है, गेहूँ भी रह रहे, बारिश भी बहुत हुई, तो अभी 7-8 दिन का काम भी है और फिर खाप पंचायत पे निर्णय लेंगे। शिफ्ट वाइज कुछ ना कुछ काम होगा, क्योंकि जिम्मेदार लोग सब आएंगे, वो 7 तारीख के बाद में आपको इस आंदोलन का अच्छा रूप एक देखने को मिलेगा। राकेश जी, जो बहस चल रहा था अभी रिपब्लिक भारत पे, आपने बहस छोड़ के भाग गया? नहीं, हम क्यों भागते, बहस छोड़ के। रिपब्लिक भारत जो है वो प्रो सरकार है, मैं कभी भी डिबेट पे किसी के साथ बैठता ही नहीं। उसने झूठ बोला, एंकर से मैं बात करना चाहता हूँ, एंकर कोई हो, आप 4 एंकर लगाओ, उनसे बात कर लेंगे। लेकिन आप किसी को डिबेट में जोड़ोगे तो मैं क्यों न्यूसेंस में उसमें जाऊँ, क्योंकि दूसरे लोग तो न्यूसेंस करेगा कि मेरा नाम बड़ा होगा, मैं टिकट साहब के साथ में बहस करी। हमने उनको कहा जो बहस कर रहे थे, भाई आप आओ, बच्चों के साथ में, बच्चे हमारे भी है, आपके भी है, आप आओ और आप उनको समझाओ। हमने ये कहा कि अगर कानून एक है, अगर रिपोर्ट दर्ज के बाद में गिरफ्तारी किसी की ना हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी भी ना हो, ये एक कानून बना दो कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, आप हाउस में कानून बना दो। रूल बनाने की जरूरत क्या, तो नहीं नहीं, तो हमारा तो कहने का वो है ना, हम तो कहेंगे जब तक नहीं गिरफ्तारी होगी तो कहेंगे। भाई आप कोर्ट से चेंज करवा दो ना कानून को, ये गिरफ्तारी किसी की नहीं होगी तो इनकी भी मत करो जब किसी की नहीं होगी, लेकिन आम आदमी की होती है और इनकी नहीं होगी तो ये आंदोलन उसी लिए है। तो शासन शासन पे कितना भरोसा लग रहा है आपको, न्यायपालिका की बात करें, सुप्रीम कोर्ट से आपको लग रहा है कुछ आशा है? चलो सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर रहा है, उसको कोई वो नहीं करना चाहिए, लेकिन शासन शासन पे क्या, और शासन के खिलाफ ही तो यह लड़ाई, और किसके खिलाफ है लड़ाई। क्या पता भाई, 13 महीने का सर्टिफिकेट तो इन्होंने दे रखा, 13 महीने का तो दे रखा है इन्होंने। चलो हो रहा है, ये आंदोलन ही है, देश में बदनामी इनकी बहुत हो रही है। लेकिन राकेश जी, सवाल ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि ये भी मतलब कि पॉलिटिक्स का एक अड्डा बनता जा रहा है, जंतर मंतर। हमने तो कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पे, वे क्यों नहीं आते? भाई कोई आ रहा है, अत्याचार हो रहा है तो कोई बोल रहे भी ना, उसको राजनीति बताओगे, ये कोई इलेक्शन लड़ रहे, भाई ये वोट मांग रहे हैं यहाँ पे, मतलब उनके खिलाफ आप इन पे एलिगेशन लगाते रहो, ये ट्रेंड हो जाएंगे 10 दिन में और पूरे पक्के ट्रेंड हो जाएंगे, फिर ये सारे सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे ये। सर, सिक्योरिटी पर्पज से कितना सही है यहाँ पे? देखो सिक्योरिटी पर्पज से बैरिकेडिंग लगी हुई है, ठीक है, ये सुरक्षा की चीज है, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके साथ में न्यूसेंस ना करें। आखिर क्या वजह है कि ब्रजभूषण को संरक्षण मिल रहा? सरकार के लोग हैं, सरकार में शामिल हैं, उनकी बदनामी ना हो। भाई सरकार के लोग और तो कोई बोल नहीं रहा, वो अकेले ही बयान देते हैं, सरकार को सामना आना चाहिए ना, वे खुलकर बयान दें उनके। क्या आप इसे, क्या आप इसे आगे, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके बाद अब आगे आप लोग क्या करेंगे? अरे हम तो बैठे हुए तो यहाँ पे, बजरंग पुनिया जी बैठे हुए हैं, बैठ तो रहे यहाँ पे, और क्या करें, बैठे तो सुप्रीम कोर्ट के कोई खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होती भाई।
हाईकोर्ट जाने का है कि बताएंगे बताएंगे वकील बताएंगे इसमें अपने वकील एडवोकेट बताएंगे। अच्छा कल के इंसिडेंट के बाद खिलाड़ियों को हॉस्टल में कोई नहीं है जी? कल के बाद उसके कमजोर हुए हौसले ना हौसले कमजोर थोड़ा हो गए। ये तो कुश्ती करने वाले लोग हैं, जब थक जा फिर अपना बादाम घोट के पीकर फिर लड़ाई के लिए तैयार। हाँ पहलवान है सर। हाँ कई बार कोशिश करें। हाँ सब सब काम करें और ना ना कोई मनोबल कम नहीं होगा। हाँ दुगना हो गया। अरे आप दिखाते रहो या पता हो जाएगी। आप जी कितने गंभीर आरोप है उस व्यक्ति पर, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठाकुर वोट बैंक की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं हमें जातियों का नहीं पता। हम कोई जातियों की बात करते ही नहीं। ये तो जो गलत लोग हैं वे जातियों की बात करते हैं। हम कोई जातियों की बात नहीं करते हैं। अपराधी की तो जात भी नहीं होती ना। हम कोई जातियों की बात नहीं करते। जातियां सब सम्मानित होती है। अगला स्टैंड क्या होगा राकेश जी? अरे बैठे तो हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारा यही स्टैंड है। सरकार को घमंड हो गया क्या? क्या पता क्या होगा सरकार को। आएंगे कम लोग बुलवाए, ज्यादा नहीं, इतने ही बहुत है। ज्यादा लोग नहीं, आधे लोगों को वापस भेज दिया गया ऐसा कुछ। अरे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कम लोग आएंगे, ज्यादा नहीं, उनके प्रतिनिधि आएंगे। खापू के ज्यादा भीड़ नहीं बुलवाई, सिर्फ खाप के जिम्मेदार लोग आएंगे, वो बैठ के सलाह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।